सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्नमोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नमोट मेडिसिन में, जहां पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मानसिक रोग को ठीक करने वाली एक दवा के बारे में जानेंगे। दवा का नाम है हेलोपेरिडोल। दोस्तों हेलोपेरिडोल दवा को आप में से कई दोस्त इस नाम से नहीं जानते हैं, इसको आप इसके ब्रांड नेम से जानते हैं जो कि सेरेनेस टेबलेट है। जी हाँ दोस्तों, जो सेरेनेस टेबलेट है उसका कॉम्पोजिशन हेलोपेरिडोल ही रहता है। इस दवा के बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे, जैसे कि किस क्लास से बिलोंग करता है, किस तरह से कार्य करता है, किन अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, यूजेस क्या होते हैं उसके पूरे विस्तार से जानेंगे, इसके साइड इफेक्ट को जानेंगे। और दोस्तों साइड इफेक्ट के पार्ट को आप जरूर से देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट मैं बताने वाला हूं। और वीडियो क्लास में हम जानेंगे इसकी डोज के बारे में, किस तरह से इस दवा को दिया जाता है, ये सभी बातें इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे पूरी जानकारी आपको हेलोपेरिडोल टेबलेट के बारे में मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्नआउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। हेलोपेरिडोल एक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है, जिसे हम न्यूरोलेप्टिक मेडिसिन भी कहते हैं। ये हमारे मस्तिष्क में डोपामिन को ब्लॉक करता है, जो कि एक मैसेंजर है, और ये हमारे मस्तिष्क में थॉट्स तथा मूड को कंट्रोल करता है। जब भी किसी मरीज को एंटीसाइकोटिक मेडिसिन दी जाती है तो उसके शरीर का वजन बढ़ जाता है और अन्य इसको समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हेलोपेरिडोल टेबलेट मरीज को दी जाती है तो उसके शरीर का वजन नहीं बढ़ता, उसमें वेट गेन नहीं होता है, साथ ही जॉइंटिस होने की तथा एपिलेप्टिक अटैक होने की जो समस्या है ये बहुत ही कम हो जाती है। हेलोपेरिडोल जो दवा है, टेबलेट, इंजेक्शन तथा सिरप सभी प्रिपरेशन में बनाई जाती है। इस वीडियो में हम हेलोपेरिडोल टेबलेट के बारे में जानकारी ले रहे हैं। हेलोपेरिडोल टेबलेट की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ये कई अन्य अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जैसे कि 0.25 मिलीग्राम, 0.5 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम, 1.5 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम। ये इतनी अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जो पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग लो डोज से हाई डोज में दिया जाता है। दोस्तों हेलोपेरिडोल टेबलेट को जैसे कि आप सेरेनेस टेबलेट के नाम से जानते हैं, जो कि इसका ब्रांड नेम है, इसके अलावा कई अन्य ब्रांड नेम भी इसके अवेलेबल है, जैसे हेलोडोल, एजीडोल, लेरेनेंस, ये कुछ इसकी टेबलेट है, ब्रांड है, जो आपको फ्रीली अवेलेबल मिल जाती है। और इसके अलावा कोई दूसरे नाम से आपको ये दवा मिल सकती है। कोई भी ब्रांड जो आपको मिले उसे आप खरीद सकते हैं, क्योंकि जो दवा का कॉम्पोजिशन रहता है वो हेलोपेरिडोल ही रहता है। दोस्तों वीडियो में आगे हम इसके यूजेस को जान लेते हैं, इस दवा को किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए दवा डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। हेलोपेरिडोल टेबलेट का जो मुख्यतः प्रयोग है, स्किज़ोफ्रेनिया नाम की जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। ये एक प्रकार की मेंटल डिसऑर्डर है, मानसिक बीमारी है, जिसमें व्यक्ति को हेल्यूसिनेशन मतलब भ्रम रहता है, और भ्रम रूप में उसको कई तरह की अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती है, साथ ही डेल्यूशन और एबनॉर्मल जो थिंकिंग होती है, अव्यवस्थित थिंकिंग उसकी हो सकती है, साथ ही फ्रेंड्स और जो परिवार के सदस्य हैं उनसे वो दूरी बनाएगा और उसकी भावनाएं भी खत्म होने लगती है। ये कुछ मुख्य लक्षण होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी के। इस समय हेलोपेरिडोल टेबलेट का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। साथ ही एक्यूट साइकोसिस नाम की बीमारी हो, जो कि एक मानसिक रोग है, इसके अलावा सेरेब्रल स्क्लेरोसिस बीमारी के कारण व्यक्ति को कन्फ्यूजन तथा एजिटेशन की स्थिति हो, कोई बच्चा या बड़ा हो जिसको जो हाइपर एक्टिव हो, उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता हो, कोई पेशेंट जिसको हिचकी बड़े अजीब तरीके से आती, मतलब या तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हिचकी, या हिचकी करते समय वो सांस नहीं ले पाता हो, किसी पेशेंट को अगर एंजाइटी की शिकायत हो, तो इन सभी पेशेंट को भी हेलोपेरिडोल टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। कोई पेशेंट हो जिसको टिक डिसऑर्डर तथा टोरेट सिंड्रोम नाम की बीमारी हो, और इन दोनों ही बीमारियों में व्यक्ति अनावश्यक गतिविधि करता है, जैसे कि बार बार पलके झपकाना, खांसी लेना, कंधों को ऊपर करना या मुंह को मोड़ना, कुछ भी प्रकार के फेशियल एक्सप्रेशन करना, इस तरह की जो स्थिति होती है उनको भी रोकने के लिए हेलोपेरिडोल टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। और दोस्तों इस टेबलेट का एक और प्रयोग है, जो कि एंटी इमेटिक टेबलेट के रूप में है। यदि किसी व्यक्ति को उल्टियाँ नहीं रुक रही है, वोमिटिंग नहीं रुक रही है, तब भी यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। दोस्तों एक इसका जो मुख्य और खास यूज़ है उसको मैं आपको बता दूं, यदि कोई व्यक्ति जो अल्कोहल या ओपियम का एडिक्ट है उसको वो छोड़ रहा है, जब उसके विड्रोल सिम्टम्स दिखते हैं, छोड़ते समय जो लक्षण दिखते हैं, तो उन लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए यह दवा दी जाती है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा शराब पी ली हो और उसके कारण उसको हेल्यूसिनेशन भ्रम होने लग गया हो, तब भी यह टेबलेट देखकर उससे फ़ायदा मिलता है। और अल्कोहल का जब विड्रोल सिम्टम्स देखते हैं उसमें साइकोसिस की समस्या भी होती है,
तब भी यह टेबलेट फायदेमंद होती है। दोस्तों ओवरऑल किसी भी प्रकार की एबनॉर्मल एक्टिविटी तथा जो मनोरोग होते हैं उनको ठीक करने के लिए इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कवर करने की कोशिश की है, फिर भी कोई यूज छूट गया हो तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इसका प्रयोग ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे हम इसके साइड इफेक्ट को जान लेते हैं, यदि किसी व्यक्ति को इसके साइड इफेक्ट होते हैं तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, और इसको आप बिल्कुल ध्यान से सुने क्योंकि कुछ इरिवर्सिबल परमानेंट साइड इफेक्ट भी है। जो कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें व्यक्ति के हाथ पांव में या मांसपेशियों में मरोड़ हो सकता है, दर्द उसको हो सकता है, सिर दर्द होना व्यक्ति को, कब्ज रहना, थकान महसूस होना, व्यक्ति को अनइजी फील होता है, व्यक्ति एक जगह नहीं बैठ पाता है, ब्लड प्रेशर हाई या लो चेंजेस हो सकता है, साथ ही हार्ट रेट व्यक्ति की फास्ट हो सकती है, व्यक्ति को ब्लर विजन हो सकता है, मतलब धुंधला दिखाई दे सकता है। ये कुछ इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। इसके अलावा जो परमानेंट साइड इफेक्ट जो मैंने बताया था, इसमें मूवमेंट डिसऑर्डर नाम की बीमारी हो जाती है। इसमें हमारे बॉडी के इनवॉलंटरी मूवमेंट होता रहता है, मतलब अनचाही मूवमेंट होगा, जो पार्ट हम हिलाना न भी चाहते हैं तो भी वो मूवमेंट होता रहेगा, और यह जो समस्या होती है परमानेंट रहती है, कभी ठीक नहीं होती। साथ ही बहुत तेज़ बुखार आना, साथ ही जो हार्ट बीट है लब और डब, इन दोनों के बीच का गैप भी बढ़ जाता है, और किसी किसी पेशेंट में जो कि बुजुर्ग व्यक्ति है उनको ब्रेन का डैमेज है और साइकोसिस की समस्या है, अगर हेलोपेरिडोल टेबलेट दे दी जाए तो उसकी डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कुछ समय से देखने के लिए मिलती है। यदि ये या इसके अलावा कोई दूसरी इफेक्ट आपको मिले या टेबलेट लेने के बाद आपको थोड़ा भी अनइजी फील हो तो तुरंत ही अपने डॉक्टर को मिले, जिससे कि फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके और इस दवा की डोज एडजस्ट करके आपको दी जा सके। दोस्तों अब वीडियो के लास्ट में हम जान लेते हैं इस दवा की क्या डोज रहती है, कितनी मात्रा में डॉक्टर द्वारा दी जाती है। वैसे तो दवा की डोज रहती है पेशेंट की एज, वेट तथा डिजीज़ के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। यहाँ पे हम एडल्ट को स्किज़ोफ्रेनिया में जो डोज दी जाती है वह जान लेते हैं। नॉर्मल जो स्किज़ोफ्रेनिया की शुरुआती स्टेज होती है उसमें 0.25 मिलीग्राम से लगाकर 2 मिलीग्राम तक की स्ट्रेंथ में दिया जाता है। यह टेबलेट दिन में 2 बार या दिन में 3 बार आवश्यकता अनुसार दी जा सकती है। जब स्किज़ोफ्रेनिया सीवियर हो जाता है, एक्यूट हो जाता है, तो 3 मिलीग्राम से लगाकर 5 मिलीग्राम भी दिन में 2 बार या दिन में 3 बार आवश्यकता अनुसार इसको दिया जाता है, और इस टेबलेट को हमेशा खाने के बाद देने की सलाह दी जाती है। और हेलोपेरिडोल के साथ में कई अन्य एंटीसाइकोटिक मेडिसिन भी दी जाती है जिसको डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग आपको लेना होता है। यदि कोई प्रेग्नेंट वूमन है और उसको किसी मानसिक बीमारी की समस्या है तो उसे हेलोपेरिडोल टेबलेट नहीं दी जाएगी, बच्चे को कुछ नुकसान कर सकती है। साथ ही किसी को पार्किंसन नाम की डिजीज़ है तब भी उसे हेलोपेरिडोल टेबलेट नहीं दी जाएगी, ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें। और इन दोनों ही कंडीशन अगर आप फेस कर रहे हो तो अपने डॉक्टर को ज़रूर से बताएं, जिससे कि प्रॉपर मेडिसिन आपको दी जा सके। तो दोस्तों एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने हेलोपेरिडोल टेबलेट के बारे में बताई जो आपके लिए महत्वपूर्ण थी। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिली होगी और डाउट आपके सभी क्लियर हो गए होंगे, और वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर उसे सब्सक्राइब कर दें, और जो पास में बेल आइकन इसे जरूर दबाएं जो आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। आप अपने दोस्त मोहित दादी साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल टू मेडिसिन यूजर्स।